हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग प्रोजेक्ट। और फ्रेंड्स, अपने चैनल पर नए हो तो नीचे में जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करिए और पास में जो बेल वाला आइकॉन है उसे भी क्लिक करिए। ऐसे ही नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो के अपडेट को सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट के सर्किट को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए एक BT136 स्ट्राइक, एक LDR और एक 100K रेजिस्टेंस। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा LDR। इस LDR के ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो ये सर्किट ऑफ रहेगा, और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा तो ये सर्किट ऑन रहेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा BT136 स्ट्राइक और ये इसका T1, T2 और गेट पॉइंट। तो फ्रेंड, हम BT136 स्ट्राइक के T1 और गेट पॉइंट के साथ हम LDR के ये दो पॉइंट को सोल्डर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसको सोल्डर कर चुके हैं। और उसके बाद फ्रेंड, हमारा जो 100K रेजिस्टेंस है उसको हम LDR के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसको सोल्डर कर चुके हैं। तो फ्रेंड, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो LED बल्ब है उसका एक पॉइंट को हम 100K रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के साथ, और दूसरे पॉइंट को हम ये मिडिल का मतलब जो T2 पॉइंट है उसके साथ हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसको सोल्डर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो 220 वोल्ट AC का जो दो पॉइंट है उसको हम इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो फेज है उसको हम 100K रेजिस्टेंस के इस पॉइंट से सोल्डर कर लेंगे, और न्यूट्रल को हम LDR के इस पॉइंट से सोल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा सर्किट कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस LDR के ऊपर जब लाइट दिया तो ये सर्किट ऑफ हो गया, और जब लाइट को हम ऑफ कर दिया तो ये बल्ब ऑन हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।